हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप 2025 में यूपी से बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि बीएससी नर्सिंग कैसे करना है, कहां से करना है, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या हम बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सी नौकरियां कर पाएंगे, क्या हम नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर हम किसी हॉस्पिटल में काम कर पाएंगे, नर्सिंग करने के बाद हमें करना क्या होगा, उस एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है सिलेबस में क्या क्या आता है, किस क्लास का आता है, तैयारी उसकी कहाँ से करनी है, अगर इस प्रकार के डाउट्स अगर आपके भी मन में हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। तो देखो, हम इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो स्कोप हो, एग्ज़ाम सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कब एग्ज़ाम दे सकते हो आप, कब नहीं दे सकते हो, क्या एज लिमिट है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भैया अगर हम करें तो क्यों करें, इसमें स्कोप्स क्या है, सिलेबस वगैरह बात की बात है, हम सबसे पहला ये जानना चाहेंगे कि इसमें स्कोप क्या है कि बीएससी नर्सिंग करके क्या, बीएससी नर्सिंग करके हमें कितने रुपए की सैलरी मिलेगी और आगे की क्या स्कोप्स हैं, हम क्या कर पाएंगे, आगे की भी पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो, बीएससी नर्सिंग में बहुत स्कोप है। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि मेडिकल हेल्थ केयर में सुविधाएं बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स की नीड हो रही है, जैसे जैसे डॉक्टर्स की नीड बढ़ती है वैसे वैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है। क्योंकि अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है तो उसके निगरानी में कम से कम 2 से 3 मान के चलो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स होने, स्टूडेंट बोल रहा हूँ, नर्सिंग के जो लोग हैं वो होने चाहिए, ऐसा मान के चलो 3 से 4 का रेशियो रहेगा, एक डॉक्टर पे 3 से 4 स्टाफ रहना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे भारी जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर्स की भी डिमांड बढ़ रही है, और जब डॉक्टर की डिमांड्स बढ़ती हैं तो नर्सिंग स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग स्टाफ में लोगों को पता भी नहीं होता कि लोगों को करना क्या है। नर्सिंग स्टाफ का मतलब होता है कि इसमें आपको केयर करनी पड़ेगी पेशेंट्स की, पेशेंट्स के बारे में जानना होगा, पेशेंट क्या है, कैसा है, पेशेंट की हिस्ट्री कैसी रही, वो सारी रिपोर्ट्स लेना, बताना, डॉक्टर्स के पास लेके जाना, इंजेक्शन देना वगैरह वगैरह, इस टाइप के बहुत सारे काम होते हैं जो एक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जॉब के टाइम पे करने पड़ेंगे। मे बी क्लिनिकल आपकी ड्यूटी लगाई जाए या फिर एज अ स्टाफ लगाई जाए, एज अ समथिंग लगाई जाए हॉस्पिटल में, वो अलग बात है, क्या वो अलग बात है, लेकिन मेनली आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा स्केल में ग्रोथ है इस कोर्स में, चाहे आप इंडिया से करो, ठीक है, या फिर इंडिया से करके आप बाहर भी किसी अदर कंट्री में जाना चाहो, लाइक दुबई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूके, यूएस, तो वहाँ पर भी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा पे आउट दिया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर मान लो हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया, क्या बीएससी नर्सिंग, और मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है ये 4 ईयर कोर्स होता है, क्या 4 ईयर कोर्स होता है, ठीक है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से होता है, यानी कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। आपको पता होगा प्राइवेट में फ़ीस थोड़ी हाई रहती है, ठीक है, और गवर्नमेंट में फ़ीस क्या रहती है, फ़ीस लो रहती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब हम स्कोप्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आप जॉब कर सकते हो नर्सिंग की, क्या जॉब की बात कर सकते हैं कि आप जॉब कर सकते हो एक हॉस्पिटल में जा करके। सेकेंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, जॉब करने के साथ साथ सबसे पहले नंबर पे आप जॉब कर सकते हो हॉस्पिटल्स में, क्या जॉब कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, किसी कॉलेज में, क्या किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। तीसरा फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है, हमें सैलरी मिल रही है, एक्सपेक्टेड सैलरी मिल रही है, सैलरी डिपेंड करती है आप कैसे हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस बेसिस पे, और आपके हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी सैलरी देता है। तो ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती रहती हैं, जॉब, जॉब के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती रहती है, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है मैंने। तीसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हो, अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, क्या एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। मान लो आपको एमएससी नर्सिंग नहीं करना, क्या आपको एमएससी नर्सिंग नहीं करना, तो आप एमएससी नर्सिंग जगह पर, क्या एमएससी नर्सिंग की जगह पे आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्या नॉर्सेट नाम का एक एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्सेट एग्जाम देने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, क्या नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, और इस नर्सिंग ऑफिसर में आपकी सैलरी जो है वो लगभग लगभग एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर हो जाती है, लाइक 50,000 से लेकर के 70-80-90,000 के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्या आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ जाती है। उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई करना चाहते
चाहते हो तो आप पीएचडी इन नर्सिंग कर सकते हो, क्या नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जॉब में मैंने आपको बताया, आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो जॉब, और आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्कोप्स होते हैं, क्या बहुत ज़्यादा स्कोप्स होते हैं नर्सिंग को लेकर के। मान के चलो कि अगर आपको यहाँ पे 30,000 मिल रहा है तो वहीं पर इंडिया के बाहर आपको 1.5 से 2 लाख की सैलरी पर मंथ ऑफर की जाती है, ठीक है। तो आपको अगर नर्सिंग करके बाहर जाना है तो फिर आपको नॉर्सेट करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो ताकि आपकी सैलरी और बढ़ जाए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन करके कहीं जाते हो फिर आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। NCLS करके एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को दे करके आप इंडिया के बाहर एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज ए नर्स काम कर सकते हो। ये बात रही जॉब के बारे में, भाई क्या जॉब्स हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप आगे कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में मैंने बात की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्कोप्स के बारे में बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे कि भैया एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, क्या नहीं होगी, इन सभी टॉपिक पे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, बच्चों को नहीं पता होता कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। सबसे पहला डाउट एलिजिबिलिटी क्या है, भैया अगर हम एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो हमारे पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए, बस आप क्लास 12th पास होने चाहिए। आपके पास क्लास 12th में, ध्यान रखना, क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन से, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश भी कहीं किसी किसी स्टेट्स में कंपलसरी माना जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ये आपके लिए कंपलसरी है अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं क्लास 12th में। उसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप 17 साल से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, इतना ही क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, OMR बेस्ड होता है, क्या OMR बेस्ड होता है। अगर आप पूछो कि इसका एग्ज़ाम कब होता है, BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का कब होगा, तो BSc नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जून में 10 से 15 जून के बीच में होगा। इस बार का एग्ज़ाम हुआ था वो 14 जून को हुआ था, लेकिन इससे पहले वाला 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 जून के आसपास हुआ था। तो हो सकता 2025 का जो एग्जाम है वो भी आपका 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में ही हो। वहीं पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है, तो अगर बात करें इसकी तो टोटल 200 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्या 200 MCQs देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन का एक मार्क रहता है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ये मार्क्स हटा देना, नंबर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का ही पेपर रहता है, क्या 200 नंबर का ही पेपर रहता है, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, मुझे आई थिंक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देखो ये थोड़ा जानने वाला विषय है कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट आता है आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखो फिजिक्स तो कंपलसरी है ही, आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ठीक है, बायोलॉजी से, इंग्लिश से, नर्सिंग एप्टीट्यूड। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो सकता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नया हो, क्योंकि जस्ट आप 12th पास करके आए होंगे या क्लास 12th में अपीयरिंग होंगे, क्या अपीयरिंग होंगे, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपने देख लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट टोटल है, इस हिसाब से 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आता है एग्जाम में, क्या 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आता है। और बात करें कि किस क्लास का आता है, भाई 11th में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो दरअसल में आता किस क्लास का है, तो मेनली क्या क्लास 12th का आता है, क्या क्लास 12th का, ऑफ क्लास 12th, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना क्या क्लास 11th के भी कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नाम का चैप्टर है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको क्लास 11th के टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th के हैं, जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकताएँ हैं। और मार्किंग स्कीम की बात करें, एक क्वेश्चन एक मार्क का, ये चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं। और वहीं पर बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, सर इतना हार्ड पेपर है, इतना टफ पेपर है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, क्या
क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्या? नो निगेटिव मार्किंग। चलो ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो गया कि नो निगेटिव मार्किंग है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो गया वगैरह वगैरह समथिंग। थैंक यू, आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, कमेंट सेक्शन से मुझे याद आया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। उस डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में 2025 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उसमें वो बच्चे होंगे, आप भी जुड़ जाओ। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी आपको उस ग्रुप में समय समय पर मिलती रहेंगी। भाई फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब आएगा और कैसे तैयारी करें, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक है, ज्वाइन कर लेना, फ्री है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगी, मैंने बता दिया फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। हम चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर लेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर आता है, इंग्लिश में क्या आता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, इससे पहले मैं बता दूं आपको, आपको लग रहा हो कि भाई हम इतना सब कहां से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं, बस एक छोटी चीज दिखाता हूं। पता है, ये कुछ जस्ट एग्जाम्पल है, हमने लास्ट टाइम में बच्चों को गाइड किया, थोड़ा बहुत बताया कि बेटा ये पढ़ लो, बच्चों ये पढ़ लो, उन बच्चों ने पढ़ा। और यकीन मानो कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ, उन बच्चों के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं आपका डेटा नहीं ला पाया, लेकिन हम उसे अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐप पे उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रिजल्ट हम नहीं, हम खुद नहीं, हमारे बच्चे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट है जिसका 142 इस बार मार्क्स आया था, जिनका नाम वैभव है और इनको SGPGI अलॉट हुआ है। 142 मार्क्स इनकी ऐसी कैटेगरी थी, दैट्स वाई 142 मार्क्स पे इनको SGPGI मिल गया। ठीक है, लेकिन SGPGI जनरल कैटेगरी में 160 के प्लस ही मिलेगा। और यहाँ पे आप OBC कैटेगरी के हैं, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और यहाँ पर जैसे कि एक आर्यन यादव 145 मार्क्स, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। बाकी यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट देखोगे, क्या जितने भी स्टूडेंट देखोगे, लाइक साक्षी 157, इनको SGPGI सेम कॉलेज मिला है, ये दोनों बैचमेट्स हैं वैभव और साक्षी। इसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं फोटो ला रहा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता, उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। इसी प्रकार से आपके भी मार्क्स आ सकते हैं अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करो, तैयारी करो। आप सोचेंगे कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का नाम टारगेट गुरुकुल है। जैसे आपको पता होगा कि चैनल का नाम नर्सिंग गुरुकुल, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको वहीं पर सारी अपडेट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो, आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि ऐप डाउनलोड करने के बाद ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे नहीं दिखा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल लिखा ना, यहाँ पे कुछ और शायद आपके में आ रहा हो, शायद आपके में आ रहा हो। अगर इसमें कुछ टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर, नर्सिंग गुरुकुल ऐसा करके आ रहा है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, ऑफलाइन क्लासेस और टारगेट गुरुकुल, नर्सिंग गुरुकुल करके आपको आ जाएगा। तो आपको नर्सिंग गुरुकुल चैनल पे है तो आपको नर्सिंग गुरुकुल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको आपके कोर्सेज दिखने लगेंगे। जैसे अभी सिर्फ UPBSC नर्सिंग का कोर्स लॉन्च हुआ है तो सिर्फ UPBSC नर्सिंग का दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्या? इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आगे आपको कुछ इस प्रकार का बैनर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस पेड कोर्सेज पे क्लिक करना है। क्या? इस पेड कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, क्या जैसे ही आप इस पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार से ये बैनर देखने को मिल जाएगा। UPC नेट 2025 सबको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, DPP नोट्स 799 रुपीज़ में। लेकिन 799 में लिखा है इंडिपेंडेंस डे ऑफर हमारा चलेगा, कब तक? 25 अगस्त तक। तो इस कोर्स की जो प्राइस है, वैल्यू है, वो 699 रुपी है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपनी पढ़ाई को अभी से कंटिन्यू कर पाओ, क्योंकि इस बार कितनी हाई कट ऑफ गई थी ये चीज़ आपको भी पता होगी कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि आप बस सो के उठो, चले जाओ एग्ज़ाम में और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, वो टाइम चला गया। अब वो टाइम दोबारा वापस नहीं आने वाला है, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको एटलीस्ट 160 नंबर मिनिमम चाहिए होंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाए, जैसे कि KGMU, SGPGI, LLRM। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। क्या? पढ़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने सोचो कि हम कुछ ना करें, बस हल्के फुल्के से पढ़ते रहें, तो उससे मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना बैच को, कोई दिक्कत है हमें कॉल कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें चैप्टर वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट से लेकर के आपका जो बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, वहाँ तक आपका सारा का सारा दिया हुआ, आप सारा टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सिलेबस चाहिए होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बताया ना, वहाँ पर भी हम सेंड कर देंगे। क्या? हम सेंड भी कर देंगे, लेकिन देखो बार बार तो आप टेलीग्राम
व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखोगे नहीं, तो जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे ना टारगेट गुरुकुल वाला, तो यहाँ देखो सिलेबस का एक ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। सिलेबस के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाओगे ना, आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपका सिलेबस डाउनलोड करने का नहीं लग रहा है। तो एटलीस्ट कोर्स ज्वाइन करो ना करो, और हाँ कोर्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी मिलेंगी। कोर्स का एक यूनिक फीचर ये होगा कि आपको वहाँ पर ना लाइव डाउट सेशंस भी मिलेंगे, और हम वीकली एक बार जूम मीटिंग भी करेंगे सारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप उनके साथ और हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाओ। क्योंकि देखो ये चीज़ ऑनलाइन में रह जाती है कि बच्चा अपनी बात को टीचर से नहीं कह पाता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे फिजिक्स का टीचर होगा, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला टीचर होगा, इंग्लिश वाली मैम होंगी या बायोलॉजी वाली मैम सर होंगे, ठीक है, नहीं कह पाते। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये फैसिलिटी भी आपको मिलेगी कि आप उससे गूगल मीट पे भी बात कर पाओ। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उन्हीं बच्चों को शेयर होंगे जो बच्चे पेड कोर्स को ज्वाइन किए रहेंगे, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत आती है पढ़ाई में। देखो पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़, चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, हम आपके साथ 24/7 रहेंगे। हम आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स, सारे लोग रहेंगे। क्या सारे लोग रहेंगे, ठीक है। तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। अब हमने बात कर ली थी बायोलॉजी की, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, क्या केमिकल काइनेटिक्स है, द डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अमीन्स हैं एंड बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ध्यान रखना जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है एनसीईआरटी का, क्या न्यू अपडेटेड सिलेबस है, वही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो न्यू खरीद लो, न्यू पे शिफ्ट हो जाओ। वहीं पर अगर हम फिजिक्स की भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेकर के आपका सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक का आपको जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे। जो डिलीट टॉपिक्स हैं उनको इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। आप देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एटम्स है, न्यूक्लियर है। और बाकी आगे हम बात करें कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा होता है कि बच्चों को ने क्लास 12 में ठीक से पढ़ा नहीं होता है, क्या ठीक से पढ़ा नहीं होता है, तो इंग्लिश का थोड़ा सिलेबस देखना पड़ता है बच्चों को, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वोकैबुलरी आइटम्स इंक्लूडेड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आएंगे, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स आएंगे, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, टाइम एंड सेंटेंस, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, auxiliaries including models, transformation of sentences, voice आएंगे, active and passive voice, narration, direct, indirect आएगा, degree of the comparison आएगा, sentences of type affirmative, negative, interrogative and common errors भी आपके example में आएंगे, ठीक है। next अगर last हम बात करें कि nursing aptitude में क्या आएगा, तो nursing aptitude एक ऐसा topic है जो बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा होता है, उसके questions भी 40 आते हैं, और 40 नंबर बहुत बड़ा impact डालेंगे अगर आपके 40 marks सीधे सीधे कट रहे होंगे। तो इसको भी पढ़ना आपके लिए उतना ही compulsory जितना कि biology है, क्या, और बहुत आसान सब्जेक्ट है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मान के मानूँ, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशंस इंडिया, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में क्या है, कैसा है, उसका कल्चर क्या है, उसके बारे में पढ़ना, ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, यानी कि एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ना, क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मैं बात ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी यहाँ भी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, बाकी यहाँ पर लास्ट वो स्टेप्स है जिससे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ सही समय पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन करके हमें ज़रूर बताना, हम कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर हो सकता है वीडियो पुराना हो जाए, रिप्लाई ना आए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना, नर्सिंग गुरुकुल के इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।